अटैक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लंबे जाम में फंसे लोग, राजधानी दिल्ली की रेंगती ट्रैफिक, नए साल के पहले वर्किंग डे के दिन लोगों के ऑफिस समय पर नहीं पहुंच पाने की छटपटाहट बयां कर रही थी कि दिल्ली बीजेपी का चक्का जाम कुछ हद तक सफल हो गया। कब से खड़े हैं आप यहाँ? डेढ़ घंटे से। कितनी दिक्कत हो रही है? मैं 9:10 से अपने घर से निकली थी, तब से लेके इसी रोड पर जाम। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा, मतलब इन लोगों को ये नहीं दिखता कि बाकी लोगों को तो ऑफिस जाना है, उन लोगों को तो जाने दीजिए। शायद दिल्ली सरकार इस प्रदर्शन के बाद इनकी मांग पर सुनवाई भी करती, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही आम आदमी पार्टी को इसका काट दे दिया। दरअसल दिल्ली बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ नई आबकारी नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम कर रही थी। बीजेपी के इस चक्का जाम में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिससे आम आदमी पार्टी को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया। बता दें कि इस प्रदर्शन के बीच कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर उधम भी मचाया। किसी ने सरकारी बसों की हवा निकाल दी तो कोई बसों की छत पर चढ़कर नाचने लगा। कार्यकर्ताओं के इन हरकतों के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली के ट्विटर हैंडल ने दिल्ली बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसान को देशद्रोही बोलने वाली बीजेपी आज शराब माफियाओं के बचाव में जनता की मेहनत के पैसों से बनाई पब्लिक प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुंचा रही है। बता दें कि आप द्वारा किए गए इस ट्वीट को दिल्ली के परिवहन मंत्री ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। ये हवा निकाल ला गाड़ी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हरकतों ने जहां आम आदमी पार्टी को हमला करने का मौका दे दिया, वहीं ये लोग दिल्ली बीजेपी के तमाम मेहनतों पर पानी भी फेरते नजर आए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस के भी समझाने पर नहीं मान रही है। ये सरकारी गाड़ी है ना, तो बीजेपी वालों ने दर्द कर दिया यार। ये ना जाने देंगे भाई, नुकसान पहुंचा देंगे गाड़ी। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान 3 से 4 घंटों तक मानो जैसे दिल्ली की सांसें रुकी रही। आने जाने वालों को इस दौरान भारी असुविधा का सामना करना पड़ा और आम लोग घंटों फंसे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।